हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं आहवा। अभी आहवा में हैं, सुबह जल्दी निकले थे। टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारे 07 के मेंबर, भाई बोल दो भाई, तो जा रहे हैं सालेर चाय पीने के लिए। इधर रुके हैं हम, अभी चाय पी के फिर से निकलेंगे। काफी जाना है यहाँ से दूर, तो निकलते हैं यहाँ से। इस टोपी वाले को देख लीजिए, वो टोपी वाला ये सालेर जा रही है। सालेर इंट्रो हो जाए तो वेलकम टू माय चैनल, आई एम प्रज्ञेश चौधरी। और हमारे साथ हैं सब भाई रोल नंबर 07 के। और हम जा रहे हैं सालेर ट्रैकिंग के लिए। अभी आए हैं डॉन के गेट के पास, अभी जाएंगे सालेर। तो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिए और पूरा व्लॉग देखिए। आज आपको हम दिखाएंगे सालेर का किला। तो दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे डूंगर हैं और एकदम ऑर्गेनिज्मिक लग रहे हैं। काफी एक्साइटेड हो गए हैं हमारे फ्रेंड्स, बोल रहे हैं कि सारे डूंगर चढ़ने को बोल रहे हैं, लेकिन हमको जाना है सालेर, तो वही चढ़ेंगे हम। तो क्या बोलते हैं आप लोग भाई, चढ़ेंगे? ये डूंगर बहुत अच्छा है, सामने पीछे बहुत आ रहे हैं, तो बादल टकरा रहे हैं सामने, सभी डूंगर चढ़ने को मन हो रहा है इन लोगों को, लेकिन हमको जाना है सालेर। तो सालेर जाएंगे और ट्रेकिंग करेंगे, काफी मजा आ रहा है। अभी डॉन से आए और काफी अच्छा व्यू था वहाँ का, बहुत ही बढ़िया था। काफी अच्छा मौसम है, काफी अच्छा मौसम, बहुत ही बढ़िया। डोगरा कैसा है? बादल टकरा रही है डूंगर के साथ, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से सप्तशृंगी 50 किलोमीटर है और सालेर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। और हम अभी आधी मंजिल पार कर ली है। तो यहाँ से दोस्तों सालेर 10 किलोमीटर बाकी है, 10। We'll be right back.
तो फाइनली हम सालेर के नीचे आ गए हैं, ये रहा सालेर डूंगर, और अब हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह से निकले थे और कुछ खाया नहीं था हमने, सिर्फ चाय पी के आए हैं। हवा में रुके थे और चाय पी ली हमने सबने, तो अभी इधर थोड़ा सा नाश्ता करके सालेर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। ये रहा नाश्ता, सब नाश्ता आए हुए हैं हम, पेपर केवड़ा सब कुछ है हमारे पास, पार्ले ही वाले एनर्जी खत्म नहीं होगी। तो आप भी आइए तो थोड़ा खाना बाना खा के ही चढ़िए और कुछ खा ले क्योंकि बहुत ऊपर तक जाना है, हाईएस्ट माउंट इन महाराष्ट्र, वैसे तो फोर्ट है उसको फोर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स अभी कपड़ा चेंज कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जींस पैंट में तो जा नहीं सकते, इसलिए हाफ पैंट और नाइट पैंट ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग पैंट जरूरी है तो ट्रैकिंग पैंट पहन रहे हैं सभी। टूका चट्टा भी काम आ जाता है यहाँ पे, हम गलती से लाना भूल गए, प्रफुल्ल भी भूल गया और मैं भी भूल गया, सो ऐसे ही जींस में ही चढ़ना पड़ेगा हमको। तो वीडियो स्किप मत करना। सालेर की ट्रैकिंग चालू कर दी है, तो हम हमारे फ्रेंड सब चढ़ रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं, मजा आएगी व्लॉग में। तो कैसा लग रहा है भीखा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, अच्छा रही है। फिसलन भरा रास्ता है यहाँ पे, धीरे धीरे चढ़ना पड़ रहा है, थोड़े लोग चढ़ के आ गए हैं यहाँ पे और हम धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। तो दोस्तों पहले गेट पे हम आ चुके हैं, ऐसे 14 गेट है यहाँ पे सालेर के, इस आदमी को हम जैसे तैसे करके यहाँ तक लाए बापू, यहाँ से अभी 14 गेट और पार करने हैं हमको, 14, ये पहला है। बस भगवान के नाम लेके चढ़ जाऊंगा, चढ़ जाएगा ना, यो मैं ऐसा आदमी चढ़ जाता है तो आपको क्या, आप तो यंग है चढ़ ही जाएगी, तो चलिए हमारे साथ। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. तो फ्रेंड्स यहाँ पे तनमनिया के फूल खिल गए हैं,
काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे नीचे, फ्लावर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर पिंक पिंक दिख रहा है सभी। साल में एक बार खिलते हैं, तो आप भी आइए और देखिए ये फूल नजारा। सारा डूंगर यहाँ पे, सारा ये फोर्ट है वो तनमनिया के फूल से गिरा रहता है साल में एक बार। बहुत ही अच्छे फूल हैं, मजा आ रहा है। और यहाँ से ऊपर जाना है हमको अभी, ये सारा यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है हमको। तो अनुज भाई क्या बोलते हो आप? तनमनिया खिल गए। तनमनिया खिल गए, आपको कैसी मजा आ रही है? बहुत मजा। आप क्या खा के आए नीचे? नीचे खा तो वेफर ऐसे खा गए, वेफर खा के। बारिश भी होने लग गई है, ये पीछे देखो काफी धुम्मस आ गया है इसमें हम चढ़ रहे हैं ऊपर। टोपी कैसे लग रही है मेरे पे कमेंट करके बताना। जाड़ों नीचे दब गए हम। हाँ बोलो बोलो। नीचे दब गए हम, बारिश आती है, बरसात। मेरे को तो कैप देने का। हाँ कैप देता हूँ ना, थोड़ी देर पहनने दे मेरे को। ये ले 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 ले, मैं टल्ला दिखता हूँ। हाँ टल्ला दिखता है, तो इसने मेरे से कैप ले ली। तो हम इधर अब तुम्हारा आ गया, अभी ऊपर निकलेंगे। तुम्हारा आ गया तुम्हारा। पांचवा गेट क्रॉस कर लिया हमने, आगे जाके ये छठा गेट आ गया है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ ऊपर आके यहाँ पे गुफा है, हमारे फ्रेंड्स गुफा में जा रहे हैं। काफी अच्छी गुफा है, पहले राजा लोग रहते होंगे यहाँ पे, ऐसी गुफा है, काफी अच्छी है गुफा। आपको भी दिखाता हूँ ये गुफा। वाओ क्या गुफा है, वाह वाह, सब कुछ बना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया गुफा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नजारा है, गुफा है, बहुत बढ़िया है मकान, बहुत बढ़िया गुफा, बहुत अच्छा कतर काम करके बनाया गया यहाँ। थोड़ा तुम सुना दो, आपको अभी दिखाएंगे सिनेमेटिक वीडियो, थोड़ा सा देख लीजिए आप। पे वो लोग रुकते होंगे ऐसा हमको लग रहा है, काफी अच्छी फैसिलिटी थी उस जमाने में ऐसा लग रहा है। काफी अच्छा नजारा, साल में आइए एक बार यहाँ पे घूमने के लिए। आप कहाँ से हो? मालेगांव। मालेगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं मालेगांव के मित्र, हमारे फ्रेंड।
हम हर सैटरडे को और संडे को एक फोर्ट पे जाते हैं। ऐसा है, ये अभी हमारा 50वां फोर्ट है। 50वां फोर्ट है, हरिहर, सालेर, मुल्लेर, धोड़प, विक्रमगढ़, सर सैटरडे संडे ट्रैकिंग कर लिया। हाँ, ये सालेर कर लिया अभी। इससे अच्छा है मुल्लेर है, मुल्लेर है और उसके बाद है धोड़प। धोड़प वो भी हिस्ट्री किला है। तो हम भी जाएंगे सालेर पक्का, के बाद पक्का हरिहर। हाँ, इसके बाद हम भी जाएंगे हरिहर। और इन भाई लोग ने काफी अच्छी ट्रैकिंग की हुई है। तो आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं? यस यस। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बता दीजिए? नील पाटिल। नील पाटिल, काफी अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ पे शिवाजी का किला माना जाता है। ये शिवाजी को औरंगजेब ने दिल्ली बुला के वहाँ पे उनको कैद करने वाले थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से छूट के आ गए। फिर यहाँ पे आके सारे किले मुगलों ने जब्त कर लिए थे। शिवाजी ने यहाँ पे आके सारी मुहिम चलाई और सारे किले वापस लेने की घोषणा की। तब प्राव गुज्जर के कारण ये किला जीता गया था मुगलों से। मराठों की सेना 20,000 की थी और मुगलों की सेना 50,000 की थी, फिर भी मराठा ने ये किला फतेह कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है यहाँ पे सालेर का। वो हमारे फ्रेंड्स काफ़ी नज़दीक आ गए, हम बैठे थे, थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं, पाले दिखा रहे हैं। हम फाइनली यहाँ पे आ गए हैं हाईएस्ट प्लेस इन सालेर। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वो जिगर भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मजा रहा है इधर। वाह, ऑसम, जन्नत की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हम। वाह, जन्नत में क्या खूब होगी इसके मुकाबले। वाह, सालेर के साथ साथ सालोठा भी चढ़ेंगे।
बहुत ही बढ़िया था नजारा, बहुत ही बढ़िया नजारा दिखा हमको ऊपर जाके। पूरा फूलों का बागान था, फूलों का बागान था, एक बहुत ही बढ़िया बागान जैसा दिखा। हमारी टीम से भी बहुत बहुत बधाइयां आपको, हमारी चैनल देखते रहिए, हमारी चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही मजा आएगा। आप भी जरूर आना चाहोगे हमारा वीडियो देख के।